लोग इतने हॉर्नी क्यों जाते हैं सुबह सुबह जब देखो पैं 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 पैं। गंदा ने वापस अटका दी गाड़ी। ये देखो कैसे कैमरा इन लोगों ने इधर उधर रखा हुआ है। खुश तो तुम बहुत हो गए आज मेरा इकलौता गोप्रो तोड़ के। गुड मॉर्निंग। ओह आवाज आती जो अनलॉक करने में मजा आ जाता है। गाड़ी ऊपर से तो गीली ही गीली रहेगी और वाह पहुंच नहीं पा रहा मैं वाइपर तक। चलो चलाते हैं जी वैगन। 63 AMG होती तो मजा आता। इतनी सुबह इतना ज्यादा ट्रैफिक समझ नहीं आ रहा क्यों क्या होने भाई। शूट हमेशा ऑफिस से शुरू होता है जहाँ पे हम नाइट शॉट्स करते हैं। वैसे जरूरत नहीं नाइट शॉट्स की क्योंकि ऑलरेडी पहले कर चुके हैं बट व्हाई नॉट। शूट लोकेशन तो पहुंच गया लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी मेहनत क्यों कर रहा हूँ इस गाड़ी पे क्योंकि ऑलरेडी इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। सीधा ड्राइविंग करके खत्म करो बट नहीं बुच्चुल है कि चलो जी वैगन है कुछ अच्छा करेंगे। लेंसेज की टेस्टिंग चल रही है सो ये एक नई लेंस टेस्ट कर रहे हैं। 100-400 है। इससे क्या होगा ना कि जो आपकी सामने वाली खिड़की में रहती है ना वहां तक पहुंच जाएगी ये। ये देखो कहाँ तक जाती है ये लेंस बताओ। लेकिन बहुत भारी है ना गिम्बल बैलेंस नहीं होता इसलिए ट्राइपॉड लेके घूमना पड़ता है यार। अब ट्राइपॉड कौन लेके घूमेगा बिकॉज इट्स अ बिग हेडेक। अभी 400 पे शूट करें तो जुबैर बोल रहा था उबर बोंगा के वो आगे चला जाएगा। मैंने कहा भाई तू रुक जा मैं गाड़ी लेके चला जाता हूँ क्योंकि उधर जाना पड़ेगा। वो देखो जुबैर किधर बैठा हुआ है मतलब शूट करने के लिए और हम किधर हैं लाइक लुक एट द डिस्टेंस बिकॉज ऑफ दिस लेंस। अ फ्यू इंचेस लेटर तो मामला ये है पुलिस वाले आए गाड़ी देखी बोले मस्त है और फिर ये लोग चले गए। ये लोग इंजॉय करते हैं बस बोल के आगे बोलते हैं हमेशा अरे पहली बार नई मूवी ये गाड़ी है मस्त है अच्छा आप लोग लेके आते रहते हो। ये जो ग्रीन कलर है ना मस्त लगता है इस गाड़ी में। आई एम श्योर अभी बोलेरो में भी यही कलर देने वाले महिंद्रा वाले क्योंकि महिंद्रा ने डिसाइड किया है कि स्कॉर्पियो लैंड क्रूजर की तरह बनेगी। उनकी जो बोलेरो है ना सॉरी बोलेरो नहीं हो हाँ वो हर एक आइकॉनिक कार डिफेंडर रैंगलर वगैरह सबके साथ एक गाड़ी चिपक चुकी है क्योंकि रैंगलर तो ऑब्वियसली आप जानते हो था। तो अभी जो नई बोलेरो आएगी ना वो फील करेगी किसकी पता है जी वैगन की। तो उसको बहुत जी वैगन टाइप स्टाइल बनाया हुआ है इन लोगों ने मतलब अभी रिवील नहीं हुई है बट मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह शूट स्टार्ट किया था लगभग 7:30 और अभी बज रहे हैं 2:30। कंटिन्यूअसली शूट ही कर रहे थे मुझे लगा जी वैगन में कम शूट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले अनबॉक्सिंग वगैरह कर ही चुका हूँ लेकिन टाइम बहुत लगता है यार शूट में। इट्स नॉट अ केक वॉक। इतनी गर्मी भी मतलब गर्मी इज बैक यार आई एम मिसिंग द रेन्स नाउ। गाड़ी तो बहुत अच्छी है लेकिन मुझे ऑब्वियसली ओवर हाइप लगती है काफी महंगी है इस प्राइस में मतलब सेंस नहीं बनता क्योंकि काफी सारी चीजें मिसिंग है और बस यू आर बाइंग इट फॉर द रेट्रो फील अदरवाइज एट दैट प्राइस यू कैन गेट अ लॉट बेटर कार। मैं तो रेंज रोवर ले लूं लेकिन उसको मेंटेन कौन करेगा भाई। 2 मिलियन क्लिक एक भेजा है हुंडई ने थैंक यू सो मच। वैसे तो जी वैगन चलाने का बहुत ही ज्यादा मन है लेकिन अब क्या करें मतलब ऑफिस जाना चाहिए गाड़ी लेके चलते हैं। भाई देखो गाड़ी धुली ये क्या धुली ये देखो पूरा चिड़िया। एक मूवी थी ना रजनीकांत की जिसमें अक्षय कुमार भी है उसकी याद मुझे आ रही है। टावर लगाना पड़ेगा हमें टावर। अरे भैया ये तो जिमनी है मुझे लग रहा है मिनी जी वैगन ही उठा लेते हैं चलो अपनी जीप में घूमते हैं घुसते हैं मतलब। जी वैगन काफी महंगी है अगर आपको सस्ती जी वैगन चाहिए तो ये भी आ गई है। ये रही मारुति जिमनी सुजुकी जिमनी जो एक्चुअली साइड में खड़ी थी ना वही वाली मैं उठा के ले आया हूँ और कंपस को ऑफिस में छोड़ लिया। गाड़ी के गियर बॉक्स में कुछ तो है मतलब फर्स्ट गियर में जा ही नहीं रही मतलब बहुत मुश्किल से जा रही है ऐसे मतलब च्युइंगम विंगम अटक गई पता नहीं क्या है। और इसकी नंबर प्लेट भी टेढ़ी है ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी कल की शूट में तो आई एम जस्ट लिटिल वरीड अब कैसे करेंगे शूट क्योंकि कल शूट रैप करना है कुछ भी करके जिमनी का फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। गाड़ी बहुत अच्छी आई रियली लाइक एंड मैनुअल के मैं वेट कर रहा था फाइनली हमारे पास आ गई है मैनुअल लॉन्ग टर्म बेबी लॉन्ग टर्म। बच्चा पार्टी आ गए जी वैगन चेकआउट करने लेकिन चाबी हम घर पे भूल के आ गए क्योंकि ऑब्वियसली हम चला रहे हैं सस्ती जी। चलो मैं दिखाता हूँ अभी फर्स्ट गियर में ना ऐसे कुछ पता आई थिंक सर्विस की जरूरत है गाड़ी को। ये फर्स्ट है ना इज नॉट दैट स्मूथ बट गाड़ी बहुत प्यारी चलने में मजा आ रहा था चला के ऑब्वियसली जी वैगन तो जी वैगन ही रहेगी बट एनीवेज नंबर प्लेट देख के मुझे याद है कि यही गाड़ी मेरे पास पहले भी आ चुकी थी बट कंडीशन काफी अच्छी थी अभी ऑब्वियसली ऑफ रोड गई तो थोड़ी इधर उधर बच गई होगी इसकी लेकिन नंबर प्लेट टेढ़ी है तो मुझे बहुत ओसीडी टाइप हो रहा है। एनीवेज कल सुबह इसका शूट करेंगे। ये गाड़ी क्यों नहीं धुली अरे यार पानी की प्रॉब्लम वापस स्टार्ट हो गई यार शिट। स्टिकर किधर लगेंगे बताओ। लोग इतने हॉर्नी क्यों जाते हैं सुबह सुबह जब देखो पैं 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 वार्निंग में क्या यू नो व्हाट इट इज। समझो सुबह तुम डरते हो लगाने से अभी तक तुमने नहीं लगाया वो स्क्रैच गार्ड अपने ड्रोन के रिमोट पे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये भाई है ना गिल्टियों के रिटर्न का वो बोलेगा पागल इंसान है पहले बोलता है
अब हम सोच रहे थे कि इसके अंदर जिमनी को निकाले, लेकिन काफी ज्यादा डीप है, यहाँ पे स्लश टायर्स डोंट सपोर्ट दैट मच। और आ गए हम लोग, लोगों जा भाई पता नहीं क्यों नहीं लॉक हो रही। एनीवेज, व्हाट अ फैंटास्टिक लोकेशन टू ऑफ रोड। मैं इतना स्मार्ट बन गया हूँ ना कि मैंने आज ये जूते निकाले हैं जो मुझे वैसे भी फेंकने हैं, तो गंदे भी हो जाए नो प्रॉब्लम। पूछो मत कहाँ पहुंच गए हैं हम, गाड़ी की तो लग रही है लेकिन चढ़ रही है हर जगह जिमनी। ये बंदों ने कुछ काम नहीं किया, सुबह स्टिकर ही लगा दे फिर रहे। झूठ मत बोलो साले, तुम आधा घंटा लेट आए हो तुम्हारे ही शूट पे। प्रूव इट ब्रो, प्रूव इट। 7 बजे का कॉल टाइम था। आई हैव मैसेजेस। मैं मैसेज दिखाऊं? हाँ दिखाऊं। 7:20 एट ऑफिस। हाँ तो 7:20 से लेफ्ट किया। अगर एक आदमी ने लेट कर दिया तो मतलब फिर तो वो डोमिनो इफेक्ट होता ना। मैं आके ऑफिस वापस चला गया। डोमिनो में लेके जाते हो, डोमिनो डोमिनो इफेक्ट यार। एक गंदार पानी में क्या कर रहा है, एक गंदार ऊपर पहुंचा कैसे वो, मतलब एक तो अजूबा ही रह गया। ऑफ रोडिंग तो असली में ये लोग कर रहे हैं। क्या फट्टू लोगों को लेकर आ गया हूं मैं। तुमने देखा है उसको रोहित को, क्या जम मारता फिरता है। कैमरे लेके यहाँ पे खड़ा होना आसान नहीं है। लोग नहीं, मुझे दो। अरे एक सेकंड, रोहित को देखा क्या जम मारता रहता है। अरे रोहित नहीं पता तुम्हें। बताओ बताओ बताओ, तुम बोल रहे थे तुम अंडरवेयर भी बांट रहे हो। तुम खुद इसको बोल रहे हो कि मैं तुम्हें गॉगल्स दे रहा हूँ, मैं चड्डी भी दे दूंगी, क्या वक्त चल रहे हैं। See, I'm telling you, don't create NSFW environment during shoots. NS Faisal, not safe for Faisal or what? NSFF हो गया, नया कोड़े को रहा है। जल्दी जल्दी शूट करो और जल्दी पनवेल निकलना है मेरे को। पनवेल में ही अपन। यहाँ पे अच्छी लोकेशन मिल गई, आइडियली गाड़ी को इधर से उधर जाना चाहिए, लेकिन कमॉन कमॉन कमॉन, दैट्स द जोश। साउंड अच्छी गाड़ी की। गंदार को गाड़ी सिर्फ 30 सेकंड के लिए दी और भाई ने अटका दी। साला मैं तेरे को, मैं उसमें घुसता ही नहीं हूँ क्या। अबे साले, अब हम आ गए हैं कहीं तो पनवेल में, जहाँ पे हम टोइंग रोप लेने आए हैं क्योंकि गाड़ी गंदार ने अटका दी। 2 hours later. ये सब इसलिए हुआ है, इस हाथी ने गाड़ी फंसा दी, और वो भी क्यों, इसके वजन की वजह से गाड़ी वहाँ पे धसी गई। 2 million सब्सक्राइबर्स किसके YouTube? स्टॉप बॉडी शेमिंग ब्रो, स्टॉप बॉडी शेमिंग। अच्छा, I'm going to call you now. Faisal, your name is. If I am hathi, your editor beep that word. Thank you. Hello. What happening? नहीं उठेगा, इक्विपमेंट हटाना पड़ेगा। अरे बॉटल उठाना ही है। एक तो तुम लोग शूट पे बॉटल क्यों लाते हो, रात को आराम से बैठ के पियो बिस्लेरी। यहाँ पे जाए कर रहे। अच्छा रोज किधर है, तेरा क्या बोला तूने? अच्छा रोज किधर है। हाउ मेनी पीपल डज इट टेक टू टो आउट अ कार? अ लॉट। इसके नीचे हुक ये है ना, ये वाला नहीं है। वेयर द फक इज हुक? ये पता है एक चैनल है इंस्टाग्राम पे अनफाइनेंस, गंदार डिटो उसकी तरह लग रहा है। मेरे को लगा एक टाइम के लिए कि बंदार फाइनेंस के यूज़ ही देता है, लेकिन फाइनेंस में ये तो जीरो है, फिर तो कन्विंस हो गया मैं ये तो नहीं है। समस्या ये हो गई है कि टोइंग हुक नहीं मिल रहा जो जीप में लगेगा, जिसकी वजह से हम गाड़ी खींच पाएंगे बाहर। और ऐसा नहीं कि मतलब ये लोग खोज रहे हैं, लेकिन गंदार के पास खुद का जो हुक है वो देने के लिए रेडी नहीं है। कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। बाय द वे ये देखो कैसे कैमरा इन लोगों ने इधर उधर रखा हुआ है, इवन ड्रोन को ऐसे रखा हुआ है। नहीं कुछ तो जुगाड़ के साथ किया है। बाय द वे मैं बोल रहा था देखो 500 रुपये ज्यादा ले ले, जिम नहीं उतार दे ले। 500 रुपये में नहीं होगा सर। ज्यादा महंगा है पता है। नहीं, हंग्री पीपल पूर पीपल, सर 500 रुपये में नहीं होगा। ये साला ना भीख मंगा बनता है हमेशा। ये गरीब की माँ की। And we are out. That wasn't difficult. मैं तो हाथ से खींच लेता। Good job, Zubair. Good job. अपन ने निकाला है। गंदा ने वापस अटका दी गाड़ी इधर घुसा के। क्या कर रहा है गंदा? पत्थर को इधर से पीछे से आगे करना पड़ेगा। अरे थोड़ा वो ले लेते ना ब्यूटी शॉट, यहाँ पर मस्त लग रहा है ब्यूटी। गंदार कुछ तो तोड़ने वाला है आज गाड़ी में, मुझे फील आ रही है। आहो पत्थर है ना बीच में।
धस रहे हो और कुछ नहीं हो रहा। ये पत्थर तुम निकाल नहीं पाओगे यार, इससे क्या होगा भाई? गैद एंगेज नहीं हुआ। आओ थोड़ा ये चढ़ जाना इधर। वो ये हुई ना बात। वेल डन गंदा, तुमने अटकाई भी और तुमने हेल्प भी की निकालने में। अप्रिशिएटेड ब्रो। यू आर स्पॉन्सरिंग मी न्यू शूज। कितने के जूते बता? 80,000 के जूते। 80,000 नेपाली कंसरी। 6,000। एज ऑलवेज पेट्रोल गाड़ी में फ्यूल भराना पड़ता है बार बार, क्योंकि डीजल इज अ डीजल इज अ डीजल। ले ले भाई, खा ले, शर्माओ मत। तुम्हारी टेबल होगी अब ये पूरी। किधर पहुंच गए ये पूछो मत, बस झाड़ियां ही झाड़ियां हैं राइट और लेफ्ट में, तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। अरे भाई क्या चल रहा है? ये हुई ना ऑफ रोडिंग। वाकई में कोई रोड ही नहीं है, बट जिमनी नैरो है ना, तो कहीं से भी निकल ही जाती है। पेंट पे जो स्क्रैचेस आएंगे ना, आई हैव नो रीजन टू जस्टिफाई व्हाट एम आई डूइंग, आई हैव नथिंग टू जस्टिफाई। आई मीन वो फ्यू मोमेंट्स लेटर। लंच खाने के बाद बहुत जुस्ती हो रही है, बहुत नींद आ रही है, और जुबैर पता नहीं चढ़ गया गाड़ी पे, बोलते हैं मैं बैठूं यहाँ पे, चलो गाड़ी। खुश तो तुम बहुत हो गए आज। थैंक्स फॉर द गिफ्ट। मेरा एक लौता गोप्रो तोड़ के ये भाई ने ना तोड़ा। ये ना एक्चुअली सीन क्या हुआ ना, गोप्रो नीचे रखा था, ही स्टेप्ड ऑन इट एंड इट इज क्रैक्ड कम्प्लीटली। एट लीस्ट अपोलोजाइज ब्रो, आई वांट टू स्टेप ऑन यू नेक्स्ट। कुछ भी झूठ मत बोलो। कीप योर वियर्ड फैंटेसीज विद यू ब्रो। जिमनी अगर लेके जाता ना इसके ऊपर, तो लेंस भी क्रैक हो जाती। गंदा, आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू। चल 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 चल, नाम को लिटरली ले लिया गोप्रो। चलो भैया कंपास चल रही है आगे, लीड कर रही है, 4x4 है वो भी ऑब्वियसली, लेकिन कंपास इतनी वाइड है ना कि वो पूरे ट्रेल्स तक पहुंच ही नहीं पाए जहां जिमनी जा पाए, क्योंकि जिमनी के नैरोनेस की वजह से अलग ही एडवांटेज हो गया जिमनी को। कितनी बार मैंने तेरे को बोला है हीरोगिरी करने में नहीं है, ये लो इनको मैड दो ना, आईपैड दो। आईपैड नहीं, वो कहाँ लगाओगे? मेरी मर्जी कहाँ लगाओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? Meanwhile नॉट अपने भाई, चला चला जिमनी, चला मैं चला, मैं कंपास चलाई, चाबी मेरे पास है, चल भाई। आई सपत लेके जाओ सुबह, धक्का नहीं मार पाए जिसकी वजह से रस्सी लानी पड़ी। कोई नहीं, तुम्हारा फोन है मेरे पास, तुम जानते हो। तुमने जैसे गोप्रो तोड़ा वैसे फोन का भी मैंने गोप्रो तोड़ा। हाँ तुमने तोड़ा, अच्छा ठीक है। नुरेन से भी तुम्हें बात करना, सुखदेव से भी तुम्हें बात करना। दिल्ली में आपका स्वागत है। कभी देखा इतनी धूल? मैप कहीं का भी लगा सकते हो, बट अपन है तो दिल्ली में ना, इतना डस्ट वहीं पे होता है। AQS 170 इन मुंबई, इन दिल्ली इट इज 708। वो तो तुम्हारी तरह ही एक नंबर का मुकेश। सोचा चलो जी वैगन देख लेता हूँ, धुली कि नहीं धुली, आज तो नहीं धुली, वाइपर ऊपर नहीं है। खड़े खड़े ये गाड़ी इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है, और क्योंकि अभी पानी की प्रॉब्लम चल रही, तो ऑब्वियसली गाड़ी कल भी नहीं धोलेगी। इसका मतलब कैसे मैं वॉक अराउंड करूँगा, क्योंकि मुझे पूरा शूट रैप करना है भाई 11 o'clock, पैक वैक ग्रूम व्रूम करके निकलना है एयरपोर्ट के लिए। एक बार बताऊँ, पूरा दिन निकल गया, तुमने एक बार नहीं पूछा सुबह से, जुबैर तुम दोनों जवाब चाहिए।
आई नीड एन आंसर ब्रो, कर क्या रहे हो तुम दोनों? दोनों बच्चे पैदा ही नहीं कर सकते, कैसे जॉब देंगे? कर क्या रहे हो, मतलब कर क्या रहे हो जिंदगी के साथ? मतलब तुम्हारा हो गया तो हम भी पॉपुलेशन बढ़ा। अच्छा जब तेरा होगा बेटा मैं ये वीडियो क्लिप तेरे को दिखाऊंगा। गंधार का एक सेक्सी आइडिया, एक वीडियो क्लिप बोलता है हॉन्टेड हाउसेस कवर करेंगे हैदराबाद में, क्योंकि अगर बॉम्बे में कवर करें तो उसके घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? अभी मेरे पास एक सेक्सी आइडिया है गंधार, तुमने जो घर के बारे में बोला अच्छा बोला है, तुम लोग जाके बीरोल शूट कर लो, मैं वॉइस ओवर कर लूंगा। तुम्हें जाके वहाँ पे पीओवी करना है, कैंडल लेके घूमो। दिस इज अ गोश्त, दिस इज अ पीओवी के बिना मजा ही नहीं आता। दैट दिस दीज आर योर लाइंस बाय द वे साले। अपन यहाँ पे पहुंच गए थे लगभग 6:30 बजे, एक घंटे बाद तुम्हारा दोस्त आया जिमनी लेके। इतनी भी स्लो नहीं है गाड़ी यार। आई एम डिसअपॉइंटेड बाय यू दंदार, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई थॉट नहीं गियर वेयर की बात ही नहीं है, जो लोग तेज चलाते ना उन्हें बिना गियर के भी चला लेते हैं। यू वोंट बिलीव, एग्जैक्ट सेम टाइम पे जब GoPro टूटा ना आज उसकी स्क्रीन, उसी टाइम मुझे मैसेज आया ये डिलीवर हो गया है। और ये है GoPro Hero 12 Black। इसको मैंने इसलिए लिया दो रीजन के लिए, एक तो इसमें हीटिंग कम होती है एंड मतलब सॉफ्टवेयर बेटर किया हुआ है, सेकंडली इसमें आप वर्टिकल शूट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल रख के ही। तो चलो इसको मैं अभी सेट करता हूँ, क्योंकि कल हमें जी वैगन का ड्राइविंग व्लॉग भी तो शूट करना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, चलो गुड वाली न्यूज हो गई है, गाड़ी आज धुल गई है। यस, का मतलब वेस्ट नहीं करना पड़ेगा टाइम धुलाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अभी तो फोन चार्ज करना पड़ेगा गाड़ी को, इस फोन से तो मैं शूट करता हूँ। शूट लोकेशन में पहुंच गए और यहाँ पे ऑलरेडी लोग शूट कर रहे हैं, मोटिविंग वाले शूट कर रहे हैं। ये वर्टुस का नया वर्जन आया ना मैनुअल, वो और फ्रॉन्क्स तो उनकी लॉन्ग टर्म कार है, तो ऐसी पोजिशन में लगाना गाड़ी ताकि और कोई गाड़ी हमारे फ्रेम में ना आए। ये किडनैपिंग विडनैपिंग भी चलती रहती है यहाँ पर। What's up, bro? Nice purple seats. क्या चल रहा है? वोल्टेज चल रहा है। ये फोर व्हील्स पे कैसे आ गए तुम? क्या करेगा अभी, बाइक्स आ ही नहीं रहे, कोई दे ही नहीं रहा, there's nothing interesting. You know why? चालू भी नहीं हो रही है। You have to become bike with guy, then only you'll get all the bikes. Ah, shots fired! ऐसा रहना पड़ेगा मेरे को। अरे यार बहुत ज्यादा टाइम लग गया आज तो। इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे से वॉक अराउंड ही कर रहा हूँ, वॉक अराउंड रील्स वगैरह। इस गाड़ी में इतनी सारी चीजें हैं ना, जबकि मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले और 1 मिलियन हो भी गया उसमें व्यूज, फिर भी और करने का मन करता रहता है, बिकॉज क्या गाड़ी है बट बहुत महंगी है। चलो फाइनली व्लॉग तो शूट हो गया, लेकिन मैं इधर उधर भटक गया था, घूम गया था, मुझे समझ नहीं आया मैं जा कर रहा हूँ। ये देखो आगे चल रही होंडा सिटी बोल रहा है ये तो मर्सिडीज एस क्लास है। चलो फाइनली शूट हो गया पूरा, काफी टाइम लग गया, इसके मजे लो। टाइम इतना लग गया क्योंकि मैं गलत रोड पे चला गया, ये वो करके मतलब अभी हुए हैं लगभग 10%, बैटरी 130 हो रहे हैं, मुझे घर पहुंचना था 11:30, पूरी प्लान चेंज क्योंकि निकलना अपने को 2 घंटे के अंदर। मजा आ गया। वो बाय द वे ये नया GoPro 12 है, इसका काफी एडवांटेज ये है कि एक तो ना इसका ओरिएंटेशन चेंज नहीं करनी पड़ती जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करते हैं, बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है, सॉफ्टवेयर इंप्रूव हुआ है, ज्यादा हीट नहीं होता, जल्दी हीट हुआ लेकिन इतनी जल्दी नहीं हुआ, और एक ही बैटरी में पूरा शूट कर लिया। यूजुअली मुझे 2 तो लगती है आज, क्योंकि काफी टाइम मैंने कैमरा चला के रखा। सो यस, हैप्पी विद दैट एटलीस्ट फॉर नाउ। चलो हमारी कैब आ गई है, लेकिन हम जी वैगन को यहीं पे छोड़ के अपनी इनोवा से निकलेंगे। बाय जी वैगन, मजा आया, फिर आना वापस, फिर करेंगे मजे। जॉनी भैया दिख गए अपनी स्टिक के साथ घूम रहे हैं, पहुंच गए हैं। तो BMW तो खड़ी मिलेगी ना, एक फ्लाइट के गेट के लिए लग रहे 43 मिनट्स।